राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया आपसे थोड़ी देर पहले। द्रौपदी मुर्मू को हम अपना समर्थन देते हैं, ये उद्धव ठाकरे ने कहा, और कहा कि वो दिल के छोटे नहीं है, उनका दिल बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू, और आपको बताएं इस वक्त मतदान से पहले यानी चुनाव से पहले वो सभी दलों के साथ बैठक कर समर्थन मांग रही हैं। अब ऐसे में ये बड़ी खबर आती है कि शिवसेना द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी, यानी राष्ट्रपति चुनाव में। उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान खुद किया है, और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा के सदस्यों की शिवसेना की बैठक बुलाई गई थी, 18 में से 13 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, और ज्यादातर सांसदों का ये उद्धव ठाकरे को सुझाव था कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। अब इसका औपचारिक ऐलान भी अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। वो ये कहते हैं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। वैदेही मेरी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। वैदेही, समर्थन के ऐलान के साथ ही ये कह देना मेरा दिल छोटा नहीं है यानी मेरा दिल बहुत बड़ा है, इस बात के मायने कैसे समझे जाएं? जी बिल्कुल, जैसे उद्धव ठाकरे इन्होंने एक स्पष्ट किया है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी घटक से है, और आदिवासी स्त्री पहली बार किसी संविधान के बड़े पोजीशन पर अगर बैठ रही है तो निश्चित तौर पर उनका समर्थन देना चाहिए। ऐसी मांग जो है वो शिवसेना के काफी सांसद पिछले कई दिनों से करते हुए नजर आ रहे थे। चिट्ठियां भी लिखी गई थी उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे इन्होंने ऐसा कहा है कि मैं द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो शिवसेना यूपीए का घटक नहीं है, लेकिन यूपीए के घटक कांग्रेस और एनसीपी के साथ फिलहाल सत्ता में महाविकास आघाड़ी के तौर पर बैठे हुए नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो राजनीति हम कभी बीच में नहीं लाते, क्योंकि प्रतिभा ताई पाटिल जब थी तभी भी उनको समर्थन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने किया था, और अभी भी एनडीए के और बीजेपी के ये सदस्य है, फिर भी एक आदिवासी महिला के तौर पर जो है वो उनका समर्थन कर रहे हैं, और देश के लिए देश की जनता की जो मांग है उसी को मायने रखकर ये समर्थन शिवसेना फिलहाल कर रही है, ऐसा उद्धव ठाकरे इन्होंने कहा है। और वैदेही, मौके की नजाकत को भी बखूबी सांसद भी समझ रहे हैं शिवसेना के, और यही कारण है कि बैठक में उन्होंने सुझाव दिया, ज्यादातर सांसदों का ये सुझाव था कि मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सांसदों ने जो है वो पिछले कई दिनों से मांग की थी कि मुर्मू का समर्थन जो है वो शिवसेना को करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो महिला है, आदिवासी महिला है, और देश के उच्च स्थान पर के लिए जो है वो उनका नाम फिलहाल सामने नजर आ रहा है। दूसरी ओर अगर राजनीति की ओर से देखें तो निश्चित तौर पर सांसदों का जो है वो दबाव शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर था। कहीं ना कहीं जो विधायक जिस बड़े पैमाने पर बगावत कर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सांसद वो भूमिका ना ले, सांसद उन्हें छोड़ के ना जाए, इसी बात को लेकर दबाव तंत्र जो है वो सांसदों ने जिस प्रकार किया था कहीं ना कहीं उसका विचार भी उद्धव ठाकरे इन्होंने किया है, और सांसद कहीं छोड़ के ना जाए जिस वजह से सांसदों की ये मांग है उद्धव ठाकरे इन्होंने कबूली है, ऐसा भी कहा जाता है। वैदेही, उद्धव ठाकरे के तेवर नरम पड़ने के अलावा उनके पास हालांकि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जिस तरह से जब वो समर्थन का ऐलान करते हैं और जैसा मैंने आपसे पहले कहा वो कहते हैं कि उनका दिल छोटा नहीं है, इसे किस तरह के संकेत के तौर पर देखा जाए? क्योंकि उनकी पार्टी के जो और सदस्य हैं, जो और नेता हैं या फिर और जो सांसद हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि रुख नरम रखें, आक्रामक मत रखें। जी बिल्कुल, जैसे उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में गए थे तभी उनका रुख जो है वो काफी अलग था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ थे, बीजेपी के पूरे विरोध थे, और जिस तरह हिंदुत्व से लेकर कई सारे मुद्दों को लेकर पिछले 25 साल से बीजेपी के साथ उनकी जो गठबंधन दिखाई दी थी, कहीं ना कहीं वो गठबंधन पहले क्या कहा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पहली बार हमारे एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है, तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है।
तो वैदेही, जिसका जिक्र अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले किया, आप जो बात कह रही थी कि आप देखिए ना किस तरह से उन्होंने कहा कि जब मुझे सब कह रहे हैं तो मुझे उन सबके सुझाव को प्यार से स्वीकारना चाहिए, और सबसे बड़े पद पर अगर महिला बैठती है सर्वोच्च पद पर तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे उद्धव ठाकरे इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि काफी लोगों ने उनके पास जो है वो यही मांग की थी कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है और आदिवासी महिला के तौर पर देश के उच्च स्थान पर अगर वो बैठ रही है देश के लिए सम्मान की बात होगी। यही मांग जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, पर जिस तरह से चक्रव्यूह फिलहाल दिखाई दे रहा है, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना ये नेचुरल युति है ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी विधायकों ने कहा है, सांसदों ने कहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से फिर एक बार जो है वो गठबंधन करने की बिल्कुल वैदेही। और अभी अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है औपचारिक तौर से कि शिवसेना अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। वैदेही धन्यवाद आपका, आगे रुख करेंगे आपका, लेकिन इस वक्त यानी 6 बजे की अगली